वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर बुधवार को पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभास सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात विभाग के निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं होमगार्ड पीआरडी के जवान सम्मिलित हुए, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभास सिंह ने कहा कि यातायात के कर्मचारियों का सम्मेलन तथा जिसमें उनसे उनकी समस्याएं पूछी गईं तथा उनको गाइडलाइन दिए गए हैं कि किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखते हुए चालान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि IPMS को संचालित करने के लिए निर्देश किया गया है कि जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लग गए हैं वहाँ पर उनके जरिए यातायात को संचालित किया जाए। इस अवसर पर यातायात क्षेत्राधिकारी JP सिंह, यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, ITMS के इंचार्ज भास सिंह परमार, मनोज कुमार, विनोद कुमार एवं अन्य यातायात कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, अगर आपने सर्विसेज को ज्वाइन किया आकाश लेने के लिए, कोई भी मेरे पास अवकाश में नहीं आएगा। आप अपने एप्लीकेशन में वापस कर दीजिए। शांत रहो, आप मेरे ऑफिस में चक्कर मत मारिए, मैं उसमें देखूंगी, छुट्टी दूंगी। बस कंपेयर करिए किस पद पे कितने लोग छुट्टी पे, कितने लोग दे सकते हो छुट्टी, कितने दिन की, कोई भी आपने एक बार में आपने हमें एक्सटेंशन दी और हम सबको छुट्टी सैंक्शन कर दें, इसलिए आप अपना कारण स्पष्ट लिखेंगे कि किस कारण से आपको अवकाश चाहिए। आवश्यक कार्य वाले को अवकाश नहीं मिलेगा, सिर्फ आवश्यक कार्य लिख दिया आपने, क्योंकि आपसे और लोग हैं जिनके घर में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जिससे घर में वाकई प्रॉब्लम है पहले मैं उसको छुट्टी दूंगी। समझ आ रही बात? और अनावश्यक रूप से अपना टाइम वेस्ट मत करें, छुट्टी तो होगी लेकिन अनुपातिक रूप में होगी, होगी जिसकी प्रायोरिटी है, जिसके घर में कुछ अर्जेंसी है उसको पहले मैं प्रायोरिटी रखूंगी, उसके बाद किसी और को मिलेगी। कोई बात किसी को कहनी हो? और ये सम्मेलन जो है छुट्टी के लिए नहीं है, छुट्टी लेके खड़े हो गए। ये आज यातायात के कर्मचारियों के सम्मेलन था जिसमें उनको उनसे समस्याएं पूछी गई उनकी और उनको गाइडलाइंस दिए गए कि किस तरह से वो अपने आप को एक्टिव रखते हुए चौराहों को जामुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स का ITMS के ज़रिए हो रहा है उनको भी संचालन के लिए भी उनको निर्देशित किया गया कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए हैं वहाँ पे उनके ज़रिए ही उसको यातायात को संचालित किया जाए। और क्योंकि विगत VIP कार्यक्रमों में उन्हें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, उन्हें अपना जो अच्छा प्रदर्शन है उसको जारी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया।